मनुष्य जीवन बहुत सी दिशाओं में फैला हुआ है। उसकी अपनी आवश्यकताएं हैं जिन्हें वो तरह तरह से पूरी करता है। इस प्रकृति में वो सारी चीजें मौजूद हैं जो मनुष्य के जीवन यापन के लिए चाहिए। अगर यूं कहें तो अतिशयोक्ति न होगी कि प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के पूरक हैं, और प्रकृति का जरा सा बदलाव भी मनुष्य के जीवन पर सीधा असर डालता है। भारत क्योंकि एक कृषि प्रधान देश है और आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पर आश्रित है, लेकिन कृषि प्रधान देश होने के बावजूद देश का ऐसा बहुत सा हिस्सा है जहां कृषि उत्पादन करने के लिए पानी की कमी है। गुजरात भारत के पश्चिम में बसा राज्य है। भारत के अधिकतर क्षेत्रों में मानसून आधारित खेती की जाती है और गुजरात भी इससे जुदा नहीं है, इसलिए इस क्षेत्र की जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक पहल की आवश्यकता थी जिससे जल समस्याओं को समाप्त किया जा सके। वॉटरशेड कार्यक्रम ने राज्य में खेती के बढ़ावे में और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का अंत करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इंटीग्रेटेड वॉटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम की परिभाषा को देखें तो वो कुछ इस प्रकार है। वॉटरशेड प्रबंधन को मिट्टी, पानी और वनस्पति के तीन बुनियादी संसाधनों के प्रबंधन के लिए जाना जाता है, और वॉटरशेड कार्यक्रम को हाइड्रोजियोलॉजिकल यूनिट के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें वर्षा का पानी एक ही आउटलेट या मोहरी के माध्यम से बहता है। वॉटरशेड विकास का सीधा मतलब मनुष्य द्वारा संरक्षण, संपोषण, उत्थान और सभी प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग है, जैसे भूमि, जल, पौधे, पशु आदि। वॉटरशेड प्रबंधन प्राकृतिक संसाधनों और मनुष्य के बीच एक बेहतरीन संतुलन स्थापित करता है। वॉटरशेड किसी भी विकास की योजना को एक प्राकृतिक भू हाइड्रोलॉजिकल इकाई प्रदान करता है। इस अप्रोच को रिज टू वैली कहते हैं। वॉटरशेड कार्यक्रम उस क्षेत्र के लिए एक वरदान है जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है। गुजरात स्टेट वॉटरशेड मैनेजमेंट एजेंसी ने 2008 की गाइडलाइन का अनुसरण करते हुए वॉटरशेड परियोजना का शुभारंभ किया और इंटीग्रेटेड वॉटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम IWMP को वर्ष 2009 और 10 में आरंभ किया गया। कार्यक्रम को बहुत ही बारीकी के साथ डिजाइन किया गया है। इसमें राज्य स्तर, जिला स्तर, प्रोजेक्ट स्तर और ग्राम स्तर पर अलग अलग कमेटी कार्यरत हैं। गुजरात स्टेट वॉटरशेड मैनेजमेंट एजेंसी ने कार्यक्रम को 5 चरणों में पूरा करने की योजना बनाई, लेकिन इस प्लानिंग का बहुत ही अहम हिस्सा होता है कैपेसिटी बिल्डिंग। वॉटरशेड कार्यक्रम में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हर स्तर पर कार्यक्रम को मजबूती देने के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान रखा गया है। 2009-10 में कार्यक्रम का प्रथम चरण प्रारंभ किया गया जिसमें प्राथमिकता अनुसार क्षेत्रों का चुनाव किया गया। पिछले 4 वर्षों में कार्यक्रम ने उम्मीद से ज्यादा सफलता हासिल की है। पूरे गुजरात को प्राथमिकता के आधार पर मानव के सबसे ज़्यादा जरूरत वाले एरिया को सबसे पहले लिया हमने, और जो प्राथमिक आधार पर जो हमने 5 प्रायोरिटी की हैं, सबसे पहले 5 प्रायोरिटी को हमने 5 प्लान में, 5 योजनाओं में किया है। जो 11th ईयर प्लान थी, 5 ईयर प्लान थी, 12th ईयर 5 ईयर प्लान थी, 13th है, 14th प्लान तक हम पूरे गुजरात को कवर कर लेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में सही योजनाकारी करके आगे बढ़ा गया जिसमें तकनीक का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिससे हर क्षेत्र की सही और पूरी जानकारी हासिल करने में बहुत मदद मिली। साथ ही कार्यक्रम के मूल्यांकन और निगरानी में भी तकनीक एक बड़ा योगदान दे रही है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों के प्रयोग में सबसे पहले है वॉटरशेड की वैज्ञानिक प्राथमिकता। इसमें GIS नक्शे, उपग्रह चित्रण, स्थानिक और गैर स्थानिक डेटा। इसके बाद आता है भागीदारी सूक्ष्म निरीक्षण, इसमें विषयगत नक्शे, GPS, हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग शामिल है। फिर आता है निगरानी और मूल्यांकन, इसमें वेब GIS सिस्टम, मोबाइल एम्बेडेड ट्रैकिंग सिस्टम शामिल हैं। और इसके बाद आता है प्रभाव आकलन, इसमें मल्टी टेम्पोरल रिमोट सेंसिंग। गुजरात में स्थित भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स ने
इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संस्थान की मदद से उच्च स्तरीय सर्वर तैयार किया है जिसमें एक बेहतरीन GIS सिस्टम मौजूद है। जो हमारा वाशर प्रोग्राम है, संस्थाएं तो हमारी मजबूत है ही हैं, उसको और मजबूत करने के लिए हमने खरेखर जो यूज किया है, जो वैज्ञानिक पद्धति है, वैज्ञानिक जो एक्सपेरिमेंट है, पर्टिकुलरली जो आपका GIS है और GPS है, उनका उपयोग किया गया है। उससे क्या है कि वाटर प्रोग्राम का जो हेतु है, जो इसका जो हमारे पानी को जो बारिश की बूंद बचानी है, तो उसमें बहुत सहायक रूप मदद होगा। और उसके कारण हम ऐसे विस्तारों को पहले इस साल में ही पसंद कर पाए हैं जो सबसे ज़्यादा नीडी हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। पार्टिसिपेटरी नेट प्लानिंग के दौरान GPS और GIS का बखूबी प्रयोग किया जाता है और सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए GIS यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम काम करता है। GPS का प्रयोग और ग्रामीणों के खेतों और क्षेत्र से जुड़ी सारी जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया को बायोफिजिकल सर्वे भी कहा जाता है। जानकारी एकत्रित करने के लिए फील्ड स्टाफ निर्धारित क्षेत्र में जाता है, जानकारी इकट्ठी करता है। इसमें वो मदद लेता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की। बायोफिजिकल सर्वे के दौरान ग्रामीणों की खेतों से जुड़ी जानकारी और क्षेत्र की लोकेशन को GPS लोकेट करता है, जैसे खेत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, खेत की सही स्थिति क्या है आदि। इन जानकारियों को GPS सैटेलाइट के माध्यम से सीधे मेन सर्वर को भेज देता है। लेकिन कार्यक्रम की सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों तक पहुंचकर उन्हें कार्यक्रम से जोड़ना। जहां एक तरफ GSWMA की वैज्ञानिक सोच थी, वहीं दूसरी तरफ लोगों को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी भी थी। उसके लिए वाटरशेड डेवलपमेंट टीम संबंधित क्षेत्र में जाकर लोगों को जानकारी देती है। इस टीम में 6 से 7 लोग होते हैं। इनमें एग्रीकल्चरिस्ट यानी कृषि विज्ञानी, इंजीनियर, सर्वेयर यानी निरीक्षक, पशुपालन विभाग से एक व्यक्ति, अकाउंटेंट और कम्युनिटी मोबिलाइजर। इन लोगों को कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते ही ये लोग न सिर्फ इस कार्यक्रम से जुड़े बल्कि भावनात्मक तौर से इससे जुड़कर अपनी भागीदारी देते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया। लेकिन उससे पहले ग्रामीणों से जुड़ने के लिए उनका विश्वास जीतना बहुत आवश्यक था। रोजमर्रा की जरूरतों को जानकर उन्हें समाप्त करने का कार्य प्रारंभ किया गया। इन कार्यों को एंट्री पॉइंट कार्यों में गिना जाता है। पीवानो पानी ने बहुत तकलीफ है। वॉटर शेड नो जो हमारा तालुका लेवल थी पानी आवतो क्यारेक आवे क्यारेक न आवे अने आजूबाजू में पानी 2 किलोमीटर थी लेवा जाऊं पड़े तो पानी नो प्रश्न से त्यारे अमारा गाम ना बहनों नी बधी मांगणी हती के गाम में घर दे टांका पानी संग्रह माटे वरसादी पानी तो एक आ साहेब पासे ई रजूआत करी अने ई काम अमे पहलो ज काम ई लीधो एंट्री पॉइंट में। एंट्री पॉइंट कार्यों का उद्देश्य था कि गांव में पहले से मौजूद छोटी छोटी जरूरतों को पूरा किया जाए। इन कार्यों में पीने के पानी की समस्या, आने जाने के लिए रास्तों की मरम्मत या फिर पुल बनाना, कुओं की मरम्मत, पशुओं के पानी पीने के लिए नांद की व्यवस्था आदि को चिन्हित किया गया। इसके साथ ही PRA गतिविधियां की गईं, जिसमें संसाधन मानचित्रण, सामाजिक मानचित्रण और 1 साल के पूरे मौसम के कैलेंडर को समझा गया, जिससे गांव की भौतिक और सामाजिक स्थिति को पूरी तरह से समझा जा सके, जिससे वाटरशेड कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। सभी जगह पे हमारी जो वाटरशेड डेवलपमेंट टीम है वो गांव वालों के साथ रह के उन लोगों ने सर्वे किया, पूरा डेटाबेस हमारा तैयार हुआ, उसका एनालिसिस करके फिर हमने गांव में PRA किया। PRA से क्या हुआ कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया, उनको बिल्कुल विजुलाइज होने लगा कि भाई ये हमारा घर है, ये हमारा तालाब है, ये हमारा ये पहाड़ है, ये हमारा रास्ता है। और फिर उन्होंने ही हमें सजेस्ट किया कि ये हमारी स्थिति है, आपके प्रोजेक्ट में ये प्रावधान है, तो अगर ये करेंगे तो हमें इससे फायदा होगा। लेकिन समस्याओं और जरूरतों को जानने के लिए एक ऐसी प्रणाली को अपनाया गया जिससे हर छोटी से छोटी समस्या सामने आ गई। इसे हाउसहोल्ड सर्वे कहते हैं। हाउसहोल्ड सर्वे में ग्राम स्तर पर घर घर जाकर हाउस होल्डिंग सर्वे किया गया। इसे सोशियो इकोनॉमिक सर्वे भी कहते हैं, जिसमें हर छोटी से छोटी जानकारी ग्रामीणों से पूछकर फॉर्म में दर्ज कर ली जाती है, जैसे व्यक्ति के पास कितनी जमीन है, परिवार में कितने लोग काम करते हैं आदि।
और इस तरह व्यक्ति से जुड़ी पूरी जानकारी आसानी से हासिल हो जाती है। ग्रामीणों की भागीदारी से क्षेत्र से संबंधित सभी समस्याओं की पहचान करके उन पर ग्राम सभा में चर्चा की गई और सरकारी योजना से किस तरह समस्याओं का निपटारा करना है उसकी रूपरेखा भी तैयार की गई। वॉटरशेड कार्यक्रम ने मिट्टी के कटाव और बहाव को तो रोका ही है, इससे प्राकृतिक वनस्पति को भी बढ़ावा मिला है। वर्षा जल संचयन और जमीन के पानी के स्तर को रिचार्ज करके इसने बढ़ा भी दिया है। पानी का स्तर बढ़ाने और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए जगह जगह ट्रेंच बनाए गए हैं, जिससे ऊपर से आता हुआ पानी इनमें रुक जाए। साथ ही ट्रेंच के दूसरे हिस्से पर मिट्टी इकट्ठा करके गूगल के पेड़ लगाए गए हैं। इस पेड़ की जड़ें मिट्टी के भीतर तक समा जाती हैं और मिट्टी के कटाव को तो रोकती ही हैं, साथ ही एक किस्म की जड़ी बूटी के काम भी आती हैं। शुरुआती दौर में किए गए कार्यों का परिणाम यह है कि जिन जनजातीय क्षेत्रों में कार्य किया गया उस क्षेत्र में खेती करने का तरीका बदला है और ये बदलाव कच्छ में देखा जा सकता है। किसान पारंपरिक मानसून आधारित और शुष्क खेती से हटकर अब जीरा और कपास जैसी खेती कर रहे हैं, जिससे किसानों के जीवन में एक बेहतर बदलाव आया है। वाटरशेड विकास को आगे बढ़ाते हुए चेक डैम बनाए गए, खेतों को बराबर किया गया, खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के वास्ते तालाबों की खुदाई की गई, जिससे पानी का संचयन कर भविष्य के लिए प्रयोग में लाया जा सके। आज हर गांव में पशुओं के लिए पीने का पानी मौजूद है। साथ ही गांव में रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल होने वाले पानी की समस्या का भी अंत हो चुका है। बरसात के दिनों में गांव वासियों को अपने खेतों में जाने में काफी परेशानी होती थी, क्योंकि ज्यादातर खेत नदी के दूसरी तरफ थे। नदी में ज्यादा पानी आ जाने से खेतों में आना जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिन जिन क्षेत्रों में ऐसी समस्या थी वहां पर क्रॉसवेयर यानी पुल बनाकर इस समस्या का समाधान कर दिया गया है। वॉटरशेड कार्यक्रम की सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि 2010 में मंजूर हुए प्रोजेक्ट में लगभग 3,32,000 परिवारों को लाभान्वित किया गया, क्योंकि वॉटरशेड कार्यक्रम में लाइवलीहुड प्रमोशन यानी आजीविका को प्रोत्साहित करने का प्रावधान रखा गया है, जिसमें 2009 और 10 में पास हुए प्रोजेक्ट में लाइवलीहुड प्रमोशन के लिए 10% फंड रखा गया है, जिससे लोगों को आजीविका के साधन मुहैया कराए जा सके। इसमें ग्राम स्तर पर कम्युनिटी मोबिलाइजर ग्रामीणों की योग्यता को परखते हुए उन्हें स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसके कारण गरीब भूमिहीन महिलाओं को सशक्त करने का कार्य किया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि गांव की बहुत सी महिलाओं को अपने हुनर को निखारने का मौका तो मिला ही, साथ ही आजीविका चलाने के लिए एक साधन उनके जीवन से जुड़ गया। इस परियोजना की सफलता को देखकर दूसरे राज्य भी गुजरात वॉटरशेड कार्यक्रम में रुचि ले रहे हैं और गुजरात वॉटरशेड मॉडल का अनुसरण करने के लिए गुजरात में अभी लगभग 11 से 12 राज्य आ चुके हैं। गुजरात राज्य में गुजरात स्टेट वॉटरशेड प्रबंधन एजेंसी की सफलता के गवाह सिर्फ गुजरातवासी ही नहीं, बल्कि कार्यक्रम की सफलता को पूरे देश ने देखा है। GSWMA की पहल पार्टिसिपेटरी साइंटिफिक वॉटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम की सफलता को देखते हुए लोक प्रशासन 2010-11 में लोक सेवा दिवस पर दिल्ली में प्रधानमंत्री पुरस्कार से नवाजा गया।